दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने दोस्तों वगैरह के साथ फेसबुक पे जो चैट करते हैं उसमें से अगर आपकी कोई पर्सनल चैट है और आप नहीं चाहते कि उसको कोई रीड करे और आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड आपका फोन ले लेते हैं और आपकी व्हाट्सएप चैट को देख लेते हैं, तो उस कंडीशन में अगर अपनी फेसबुक चैट को हाइड करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फेसबुक चैट को हाइड या अनहाइड किस तरह से किया जाता है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको जो भी चैट करनी होती है आप यहाँ पे सिंपली मैसेज वाले सेक्शन पे जाते हैं और जैसे मैसेज वाले सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको सभी चैट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जितने भी फ्रेंड से आपने आज तक यहाँ पे चैट की होगी उन सबकी एक एक चैट यहाँ पे आपको बनी हुई मिल जाती है। अब इसमें से अगर आपकी कोई पर्सनल चैट है और आप नहीं चाहते कि उसको कोई रीड कर सके और इसलिए आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो उस चैट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप उस चैट पे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करेंगे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आर्चिव का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का, म्यूट नोटिफिकेशन, क्रिएट ग्रुप वगैरह, इस तरह के काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों कि फर्स्ट नंबर पर आपको जो आर्चिव का ऑप्शन है इसी पे टैप कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसको आर्चिव पे टैप किया तो यहां से वो चैट हाइड हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं बाकी सभी चैट आपको देखने को मिल रही है लेकिन वो चैट अब यहां से हाइड हो चुकी है। अब अगर आपको उससे फिर से चैट करना है तो उसको किस तरह से करेंगे, उसका सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप यहां पे सर्च में जाएं और सर्च में जाने के बाद यहां पर आपको उस नेम को सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद आप उसको यहां से ओपन कर सकते हैं, साथ आप चैट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सर्च करने पर आपको वो नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा दोस्तों, चलिए उसका भी तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा दोस्तों कि ऊपर की साइड आपके जो प्रोफाइल पिक्चर आपको नजर आती है सिंपली आपको प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है और प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है आर्चिव चैट्स, आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस चैट को हमने आर्चिव में डाला था वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। तो इस तरह से आपने भी जिन जिन चैट को हाइड करके रखा होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ से सिंपली आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसके साथ आप चैट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि फिर से इसको पब्लिक कर दिया जाए कि आपकी ये चैट उन्हीं चैट में आपको नजर आने लगे तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, फिर से आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर अनआर्काइव का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर टैप कर देना है। बस दोस्तों आपका काम हो चुका है, आपकी चैट वापस आपकी उसी लिस्ट में आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी अपनी फेसबुक चैट को हाइड करना चाहते हैं प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।